रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार के कलाकार मोहित गौड़ अपने होम टाउन जयपुर पहुंचे। मोहित गौड़ ने शो में रैपर हनी सिंह के साथ काम किया और अपने शो को लेकर मोहित काफी उत्साहित दिखे और उनसे फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत भी की। जयपुर ने भी दिखा दिया है कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। रॉ स्टार में जयपुर के एक बहुत ही उम्दा कलाकार मोहित गौड़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बात करते हैं उनके इस सफ़र का और ख़ास तौर पर आगे क्या प्लानिंग है उनकी। हाय हाय सबको, मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे को अभी तक वोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनकी वजह से मैं आज टॉप 5 में आ पाया इंडियाज़ रॉ स्टार के। मोहित, जिस दिन आपको इस चीज़ के आपका सिलेक्शन हुआ था इसमें, तो उस दिन आपका फर्स्ट रिएक्शन और आपकी फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? मैम मतलब बहुत प्यारा सा वो मोमेंट था जब मेरे को फर्स्ट टाइम मैं यहाँ जयपुर में था, गाड़ी चला रहा था, अपनी बहन को कॉलेज ड्रॉप करने गया था, एकदम से मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल के टाइम वो बंदा जो कॉल पर था वो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ यो हनी सिंह रॉ स्टार से। मेरे को बिलीव नहीं हो कि यार ये कौन है, ये कैसा मजाक है, मेरा कोई दोस्त कर रहा है क्या? तो मैंने पूछा भाई कौन बोल रहा है, आपका नाम बता दीजिए। तो उन्होंने बोला अरे मैं बोल रहा हूँ यो हनी सिंह। उन्होंने खुद के जो उनका ट्रेड जो उनका मतलब स्टाइल है जो उनका जो ट्रेडमार्क है उस स्टाइल में उन्होंने बोला और मेरे को बताया कि मैं यो हनी सिंह बोल रहा हूँ मोहित और तुम रॉ स्टार में सेलेक्ट हो चुका हो, इस होटल में मैं रुका हूँ, प्लीज़ आप आओ और मेरे को आपके साथ में मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको लेकर जाना है अपने साथ में मुंबई क्योंकि आप वो टॉप 10 इन रॉ स्टार। लास्ट क्वेश्चन, आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने लिए? मैम मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी शुरुआत में मेरे को जो भी लोग मिले हैं मैं उनको वो जो लोग जिनसे मैं प्यार कर पा रहा हूँ, जो लोग मेरे को प्यार करता है, ये जो कुनबा है, ये जो फैमिली है हमारे, जो दोस्तों की जो रिलेशनशिप बना है उसको मैं पूरी दुनिया तक फैलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे को प्यार करे, मैं पूरी दुनिया को प्यार कर पाऊँ अपने सॉन्ग से और अपने म्यूज़िक से। यहाँ पे इनका जोश और जज्बा दोनों बरकरार हैं, साफ पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में ये खुद एक अपने आप को नई मंजिल पे देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रमेश पवार के साथ बरखा मिश्रा।